बोलिए लाडली लाल की। तारो प्रेम नामो लाडली शक्ति जो सबसे अंतरंग है उसके भी सार भूत तत्व प्रेम को ये नगण्य जीवों को दे दिया। क्यों दे दिया? रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? नेचर है दया का, करुणा का, अकारण करुणा का नेचर है, उस नेचर के कारण दे दिया और देकर विलय हुआ। जैसे शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो उसने कहा तो श्रीमान जी पहले आप ही के ऊपर रिहर्सल करेंगे। शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने को तैयार हो गया। शंकर जी भागे भागे घूमे त्रैलोक में, तो श्री कृष्ण ने बचाया बड़ी तरकीब लगा करके। तो ऐसा नहीं है कि देख करके और श्री कृष्ण पछता रहे हो कि अरे मैंने अपनी पावर देख के क्या मुसीबत मोल ले ली, आराम से रहते गोलोक में। अब ये बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप करमैती बाई, जन्ना बाई, ये तमाम हमारे संसार के जो लोग हैं, गोबर गणेश, ये कहते हैं हमारे यहाँ तो मैं आज 24 घंटे पहले दो हमारा आटा पिसवा दिया करो है, ये हमारे घोड़े धोया करो। जो भी आज्ञा आप देंगे वो सब करेंगे। किया है अनंत उदाहरण है, 10-20 हजार नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पर्सनल पावर देकर विभोर है कि मेरा बच्चा आनंद में हो गया। देखो दुनियादारी की माँ भी बेटे को जब अच्छा खाना देती है तो खुश होती है, भले ही खुद न खाए लेकिन बच्चे को तरकारी देगी। अब तरकारी नहीं बची, अरे नहीं बची तो क्या है, नमक वमक से खा लेंगे और कुछ दही वही से खा लेंगे, काम चला लेते हैं। सब माताएं करती हैं जब रसोई घर में कभी कभी तरकारी वरकारी खत्म हो जाती है। ऐसा हमारा आइडिया है, आप लोग जानते हो। ये तो स्वार्थी लोग हैं, भले ही खुश ना हो लेकिन श्याम सुंदर को तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, जितनी खुशी वास्तव में अनादिकाल के भिक्षुक जीव को परमानंद मिलने पर भी नहीं होती, इतनी खुशी होती। तो वो प्रेम का आस्पद श्याम सुंदर और दूसरा प्रेम का आस्पद जिसके पास वो प्रेम चला जाए, यानी महापुरुष। संसार के कोई भी जीव हो, ऋषि मुनि योगी तपस्वी सिद्ध साधक, वो प्रेमास्पद नहीं बन सकते क्योंकि प्रेम नहीं है उनके पास। तो प्रेमास्पद श्याम सुंदर और प्रेमास्पद महापुरुष भक्त योगी ज्ञानी नहीं। तो आप समझ गए, संसार में कोई प्रेमास्पद मायाबद्ध अवस्था में हो ही नहीं सकता, त्रिकाल में असंभव। ठीक, अब आप समझ गए आपको प्यार किससे करना है। बस दो ही बच्चे आप समझने के लिए, एक श्री कृष्ण और एक उनका जन्म, बस खोपड़ी लगाना नहीं। इसके अलावा कहेंगे उनको भाई एक तो देवता है वो एक देवी है, अरे देवी देवता सब माया के अंदर में घूम रहे हैं, ये देवी देवता के चक्कर में पड़ पड़ करके तो अनंत जन्म नष्ट हुए।